पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल के रूप में होता है। और ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, दो प्रकार के होते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल में हमने पहले कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और नाइट्रोजन एक इसका मुख्य कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। और गैसियस स्टेज में नाइट्रोजन गैस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अवेलेबल नहीं हो पाती, उसको गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो नाइट्रोजन गैस है इसका सबसे पहले केमिकल्स में मॉडिफिकेशन होता है, केमिकल्स और केमिकल मटेरियल्स में इनका, नाइट्रोजन गैस को पहले मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इसके बाद में इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रहण कर सकते हैं। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इनमें जो नाइट्रोजन का साइकिल है, साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है नाइट्रोजन ना तो यह है निष्क्रिय है और ना ही इतने एक्टिव कि किसी भी रासायनिक क्रिया में तुरंत भाग ले ले। तो ना तो ये निष्क्रिय है और ना ही बहुत अधिक सक्रिय कि किसी भी रासायनिक क्रिया में तुरंत भाग ले ले। तो इसलिए इसको नाइट्रोजन को पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट भी करे और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आसानी से अवेलेबल भी हो जाए। नाइट्रोजन साइकिल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन साइकिल में मुख्य रूप से चार प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, फोर स्टेजेस पाई जाती हैं। सबसे पहली अवस्था है फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो इसमें सबसे पहले जो नाइट्रोजन गैस है इसको अमोनिया और नाइट्रेट में एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया और नाइट्रेट में रूपांतरित कर दिया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमोनिया का जो अमोनिया है इसका बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, जबकि जो नाइट्रेट है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग के द्वारा। एटमॉस्फेयर में फिक्सेशन किया जाता है। कई बारी कॉस्मिक रेडिएशंस और ऑक्सीजन
एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं कॉस्मिक रेडिएशन प्लस ऑक्सीजन, ये नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और जो पृथ्वी पर अर्थ पर वापस रेन जो रेनी वाटर होता है उसके साथ में नाइट्रिक एसिड HNO3 के रूप में वापस आ जाते हैं, HNO3 और H2NO3 के रूप में वापस अर्थ पर वर्षा के जल के साथ यानी वाटर के साथ में आ जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि 8.9 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर अर्थ पर जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है और लगभग 100 to 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन इसमें जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन है वो एटॉमिक नाइट्रोजन में मॉडिफाइड हो जाती है, मॉलिकुलर नाइट्रोजन एटॉमिक नाइट्रोजन में मॉडिफाइड हो जाती है और इसमें जो ये मॉडिफिकेशन होता है नाइट्रोजन के जो प्रत्येक मोल होता है उसके लिए 160 किलो कैलोरी ऊर्जा का एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो जब ये एटॉमिक नाइट्रोजन है ये क्या करती है फिर आगे जा कर के जो हाइड्रोजन है उसके साथ में मिलकर के अमोनिया में मॉडिफाइड हो जाते हैं, अमोनिया का निर्माण हो जाता है। जो ये एटॉमिक नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बनाती है और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और ये नाइट्रोजन का अमोनिया में फिक्सेशन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा किया जाता है। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में कल्चरल इकोसिस्टम में लगभग 200 स्पीशीज और नॉन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में लगभग 12,000 बैक्टीरिया एंड 10,000 एल्गी लगभग 12,000 स्पीशीज बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के मिलकर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन अमोनिया में करते हैं। लेग्यूम प्लांट की जो रूट्स होती हैं लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में
राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं एरोबिक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और राइजोस्फीयर में पाए जाते हैं। लेग्यूम के द्वारा जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है और सिक्रीशन होता है उससे जो राइजोबियम है हेयर जो रूट हेयर्स की सेल्स होती हैं उनमें प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ पर ये लगातार डिवाइड होकर के आकार में बढ़ते जाते हैं। और इससे क्या होता है इनके जो ये यहाँ पे ग्रोथ होती है रूट हेयर की जो सेल्स होती हैं उनमें ग्रोथ होने के कारण जो रूट हेयर्स हैं ये फूले हुए दिखाई देते हैं और ग्लैंडुलर हो जाते हैं, ग्रंथिल दिखाई देते हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें गांठें होती हैं, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है इसमें जो बैक्टीरिया की शेप है ये पहले रोड शेप होते थे वो चेंज हो जाती है, बैक्टीरिया की शेप चेंज हो जाती है। कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट्स जैसे एलनस, एक न्यू जर्सी टी प्लांट होता है सियनोथस, न्यू जर्सी टी प्लांट, रशियन ऑलिव, एली एग्नस, रशियन ऑलिव। तो ये भी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सहायक होते हैं। कुछ सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एरोबिक एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया और एनएरोबिक क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ये भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टोक, कैलोथ्रेक्स ये भी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सहायक होते हैं। इनमें नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए एमओ मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। कुछ एपिफाइट्स हैं जैसे लाइकन, इनमें भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है।